विंडोज़ और मैक तुम लोग एक हाइड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलते हैं जो कि हर यूज़र प्रेफर करता है इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये दोनों तुम लोग को जो मैक और विंडोज़ देखने मिलते हैं इसमें अच्छे खासे फीचर्स देखने मिल जाते हैं और अच्छे खासे ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं टॉप 4 पॉइंट बताऊँगा इन दोनों में से कि तुम लोग को कौन सा यहाँ पर अच्छा OS देखने को मिल जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं फुल डिटेल से बताऊँगा जिससे तुम लोग को क्लियर हो जाएगा दोनों में से कौन सा अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो विंडोज़ और मैक की अगर बिल्ड की बात करी जाए तो तुम लोग को जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिलता है ना, यहाँ पे तुम लोग अपना जो पीसी रहता है उसको तुम अपने हिसाब से बिल्ड कर सकते हो, और फिर अगर तुम इन फ्यूचर उसको अपग्रेड करना चाहते हो तो उसको भी तुम अपग्रेड कर सकते हो, और तुम अपने बजट के हिसाब से अपना पीसी को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। पर यहाँ जो मैक देखने को मिलती है, मैक तुम लोग को पूरी कंप्लीट देखने को मिलती है, उसमें अगर तुम अपना लेते होगे 16 GB रैम और 128 GB की अगर तुम SSD लेते हो तो यहाँ पे तुम उसको अपग्रेड नहीं कर सकते, तो फिर तुम उसको 16 GB और 128 GB तक की तुम अपना जो है मैक को यूज़ कर पाओगे, उसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे। तो विंडोज़ में ऐसा नहीं है, विंडोज़ में तुम अपना इन फ्यूचर अगर अपग्रेड करना चाहते हो कर सकते हो, अपने बजट के हिसाब से भी बिल्ड कर सकते हो। अगर अब मैक और विंडोज़ की सिक्योरिटी की बात करी जाए तो तुम लोग को जो सिक्योरिटी देखने को मिलती है, तो सिक्योरिटी देखने को मिलती है वो तुम लोग को मैक की ज़्यादा अच्छी खासी यहाँ पर सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पूरा तुम लोग को सिक्योर देखने को मिलता है, और अगर कंपेयर करते हैं विंडोज़ से जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है सिक्योरिटी उसमें अच्छी खासी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अभी तुम करंट में देख पा रहे होगे क्राउड स्ट्राइक नाम का तुम लोग अपडेट देखने को मिला है, उसमें भी तुम लोग को जो विंडोज़ हैं वो जितनी भी वर्ल्ड वाइड जितनी विंडोज़ है वो यहाँ पे रन ही नहीं हो रही है, वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है क्राउड स्ट्राइक नाम का अपडेट से जो जितनी भी जो परचेज करते थे विंडोज़ जो कि ऑनलाइन यूज़ करते थे जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ करते थे, तो वो सारी जो विंडोज़ है ना वो यहाँ पे रन नहीं हो पा रही हैं। जितने बैंक एयरपोर्ट्स और जितनी भी हैं वहाँ पे जो आपको देखने को मिलने वाली विंडोज़ वो यहाँ पे रन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो मैक है वो ज़्यादा अच्छी खासी सिक्योरिटीज में देखने को मिल जाता है, और जो एप्पल है वो यहाँ पे अपने जो अपडेट्स लाता रहता है जिससे अपनी जो मैक की और जितने भी एप्पल के जितने प्रोडक्ट है उसकी सिक्योरिटी अच्छी खासी बनी रहे। और अगर बात करते हैं मैक और विंडोज़ की स्पीड की, तो यहाँ पे दोनों की स्पीड ही तुम लोग को बहुत बेटर देखने को मिल जाती है। और बात करें मैक की, तो मैक की तुम लोग को जो प्रोसेसर देखने को मिलते हैं वो M1 M2 M3 देखने को मिलते हैं। जो M1 प्रोसेसर देखने को मिलते हैं ना मैक के, वो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर विंडोज़ की बात करें तो ये विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ये पूरा तुम लोग का डिपेंड करता है PC के ऊपर कि तुम लोगों ने अपने PC के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ पे इंस्टॉल करे हैं, कौन सा ग्राफिक कार्ड, कौन सा तुमने प्रोसेसर लगाया। हाई एंड प्रोसेसर लगाओगे तो अच्छी खासी स्पीड मिलेगी, ग्राफिक कार्ड हाई लगाओगे तो अच्छी खासी स्पीड देखने मिलेगी, रैम भी यहाँ पे सब लोग हम लोग पर डिपेंड करता है। तो दोनों ही अगर तुम अच्छा खासा अगर तुम अपना प्रोसेसर यूज़ करते हो विंडोज़ में तो तुम अच्छी खासी स्पीड देखने मिलेगी, और मैक में अगर तुम देखो तो मैक की तुम लोगों को नेक्स्ट लेवल यहाँ पे स्पीड देखने को मिली जाती है। अब बात करते हैं गेम्स की, तो यहाँ पे जो विंडोज़ और मैक में जो तुम लोग को गेम्स देखने मिलते हैं ना वो यहाँ पे विंडोज़ में तुम्हें ज़्यादा अच्छे खासे यहाँ पे गेम्स की लिस्ट देखने को मिलती है, क्योंकि जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसमें तुम AAA टाइटल्स गेम्स है वो यहाँ पे डाउनलोड करके खेल सकते हो, तुम लोग को ईजिली देखने को मिल जाते हैं। और PlayStation के 5 जो तुम लोग को एक्सक्लूसिव गेम देखने को मिल रहे हैं वो भी विंडोज़ के लिए अब यहाँ पे पोर्ट हो रहा है, तो तुम वो भी यहाँ पे खेल सकते हो। एक्सबॉक्स के गेम्स भी तुम लोग को देखने मिलते हैं, एक्सबॉक्स का गेम पास देखने मिल जाता है। तो विंडोज़ में तुम लोग गेमिंग की लिस्ट अच्छी खासी देखने को मिलती है, तो वो आराम से खेल सकते हो। पर मैक की बात करें तो मैक में तुम लोग को जो है गेम लिस्ट अच्छी खासी देखने को नहीं मिलती, स्टीम पे कुछ ही गेम्स देखने को मिलती है मैक के जो कि तुम इंस्टॉल करके खेल सकते हो, पर मैक में अगर गेम की बात करें तो वो नेक्स्ट लेवल देखने को नहीं मिलती है। और ये तो कुछ फीचर्स हैं, अगर एडिशनल कुछ बात करी जाए विंडोज़ की, तो विंडोज़ में तुम अपना अलग से एंड्रॉयड यहाँ पे और लिनक्स वाले एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, और मैक में तुम एंड्रॉयड और लिनक्स वाले एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते। और दोनों ही में अगर बात करी जाए AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की, तो मैक में तुम लोग को देखने को मिल जाता है AI सीरी का, और विंडोज़ में तुम लोग को कोपायलट AI देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छे खासे तुम लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट देखने को मिल जाते हैं। तो ये थे कुछ फीचर्स मैक और विंडोज़ के। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इनमें से कौन सा अच्छा है, तो यहाँ पे मैं बताऊँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत बेटर है अगर तुम लोग अपना अच्छा खासा PC बिल्ड कर रहे हो, अच्छा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, अच्छे खासे तुम लोग यहाँ पे रैम ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो तुम लोग को स्पीड अच्छी खासी देखने को मिलेंगे, फीचर्स तुम लोग को अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और तुम लोग अपने जो गेम्स हैं वो भी खेल पाओगे।
और सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के लिए अब विंडोज़ अपने अपडेट्स लाता रहता है, वो बाई चांस कभी कभी यहाँ पे कुछ दिक्कत देखने को मिल जाती है, जैसे कि अभी देखने को मिला है तो कुछ विंडोज़ में यहाँ पे दिक्कत हो जाती है जो कि आपको देखने को मिलती है, और ऐसे आपको इसमें अच्छी खासी विंडोज़ की सिक्योरिटी देखने को मिलती है। पर बात करें मैक की तो नेक्स्ट लेवल विंडोज़ तो मैक की तो हम लोग को नेक्स्ट लेवल यहाँ पर सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। और बात करें गेम्स की तो गेम्स की लिस्ट भी हम लोग अच्छी खासी विंडोज़ में ही देखने को मिलती है, तो यहाँ पर जो विंडोज़ है वो अच्छा खासा ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। और फिर तुम कोई अलग से फाइल एडिशनल कुछ इंस्टॉल भी करना चाहते हो तो डाल सकते हो, और फिर तुम लोग को यहाँ पे पूरा फ्रीडम रहता है विंडोज़ के अंदर कि तुम लोग इसको अपने हिसाब से उसको ऑपरेट कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बेस्ट है। मैक भी यहाँ पे बढ़िया है, मैक उनके लिए बहुत बढ़िया है जो कि एडिटिंग करते हैं, फिल्म मेकिंग करते हैं और बाकी अदर वर्क करते हैं, तो उनके हिसाब से वो भी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरा मल्टी टास्किंग वर्क के लिए बेटर, यहाँ पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो आई होप गाइस तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम लोग को यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि मैक और विंडोज़ में कौन सा ज़्यादा बेटर यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। अब तुम लोग बताना तुम लोग को यहाँ में इसमें से कौन सा अच्छा लगता है, मैक अच्छा लगता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा लगता है, जिसमें कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, को सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, और अगर तुम लोगों ने ट्विटर पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाकर मुझे ट्विटर भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैंने बताया है कि अगर क्राउड स्ट्राइक का अगर तुम लोग में एरर देखने को मिल रहा है ब्लू स्क्रीन का तो तुम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो मैंने ट्विटर पे ट्वीट डाला है, तो जाके चेक कर लेना और फॉलो भी कर लेना। इंस्टा पे जाकर मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। और फिर भाई मिल सकते नेक्स्ट वीडियो में इंस्टा पे के साथ।